उसको लाइन मार कर आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो केवल लाइन मार के। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे हो आप लोग फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि सर मुझे उसको तो लाइन मारने का सही प्रोसेसर ही नहीं पता, सर मैं तो उससे इम्प्रेस कर लूँ मगर मैं सर उससे लाइन कैसे मारूँ, तो क्या सर आप उसके बारे में कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि उसको किस तरीके से लाइन मारना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसको फॉलो करके देख चुका हूँ, मैं तो उसको उतारने की कोशिश कर चुका हूँ। मेरे भाई से लाइन मारना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं छेड़ना, ठीक है ना। जिस तरीके से आप उसे फॉलो कर रहे हो, जिस तरीके से आप उसे ताड़ रहे हो, उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, उल्टा खराब पड़ जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि उसको लाइन मारा तो मारा जाए कैसे। तो भाई यो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं बैठा हूँ ना आपका भाई। आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि उस पर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनाना है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको अपनी यहाँ पर के पर्सनैलिटी एंड आपका लुक बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है ना, तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा फ्रेंड। क्योंकि कई बार आपसे कोई लड़की इसलिए बात नहीं करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इस लड़के की तो ना पर्सनैलिटी है और ना ही लुक है, तो इससे बात करने का फ़ायदा क्या है, अगर ये मुझे देख भी रहा है तो मैं इसे क्यों देखूँ, अरे इससे तो बेटर बेटर लड़के लाइन में लगे पड़े हैं। तो ये सवाल उसके दिमाग में ना आए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपकी पर्सनैलिटी एंड आपका लुक उस समय पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए फ्रेंड। आप जब भी उसे देखने जाते हो, जब भी आप उससे मिलने जाते हो, या फिर जब भी आप उससे अप्रोच करने जाते हो, तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी है। अब यहाँ पर जानते हैं कि उसे अप्रोच कैसे करें, उसे टोके कैसे ताकि उसकी नज़र में हम आ सके। उसके लिए फ्रेंड सबसे बेस्ट टिप, आप कोई एड्रेस के बहाने, टाइम पूछने के बहाने, या फिर किसी छोटी मोटी हेल्प के बहाने आप उससे अप्रोच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यार मेरे पास ना पेन नहीं है, मुझे अर्जेंटली एक नंबर लिखना है, तुम क्या अपना पेन दिखा सकती हो, या फिर यार मेरे को ये एड्रेस नहीं पता, क्या तुम ये मुझे एड्रेस बता सकती हो। आपको फ्रेंड उस समय पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी उससे बात कर रहे हो ना, तो आपके अंदर से कोई बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप उससे बात कर रहे हो तो बात करने के दौरान आप उससे आई कॉन्टैक्ट करना, ये नहीं कि उसके बॉडी पार्ट को देख रहे हो, क्योंकि लड़की भाई फर्स्ट मीटिंग में ही जान जाती है कि लड़का किस नेचर से और किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, ये क्या चीज़ देख रहा है और क्या चीज़ देखने आया है और क्या बोलने आया है, ये भी उससे पता चल जाता है। लड़की की भाई ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ती है, तो उस समय में फ्रेंड आप ना ज़्यादा घबराए ना ज़्यादा डरे, आई कॉन्टैक्ट बनाए और उससे अच्छे तरीके से एड्रेस पूछिए, और जब वो आपको बताए या फिर नहीं बताए उसके बाद भी आपको थैंक यू सो मच जरूर कहना है, जिससे कि उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये तो रहा उसको अप्रोच करने का प्रोसेसर, अब इसके आगे का प्रोसेसर समझो। दूसरा पॉइंट, आंखों से कैसे लाइन मारा जाता है। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि जब हम किसी लड़की को देखते हैं ना, तो हमारी आंखों में एक शर्म भी होनी चाहिए, हवस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हवस भरी आंखों से देख रहे हो तो उसे पता चल जाएगा कि आप क्या देख रहे हो और क्या नहीं देख रहे हो और आपकी निगाहें क्या चाह रही है उससे। तो भाई एक काम ध्यान से याद रखिएगा कि आप जब भी उसे देखते हैं ना, तो देखने के दौरान फ्रेंड आप 1 से 2 मिनट का आई कॉन्टैक्ट करें और फिर नज़रें हटाओ, फिर उसको देखिए, आपके चेहरे पर एक अच्छी वाली मुस्कान होनी चाहिए, एक प्यारी वाली मुस्कान, जिसको देखने के बाद वो लड़की भी जज करे कि चलो इस लड़के के नियत में कुछ गलत थिंकिंग तो नहीं है, क्योंकि ये लड़का मुस्कुरा रहा है। मगर सिर्फ यहाँ पर मुस्कुराना है, हंसना नहीं है, क्योंकि अगर आप हंसते हो पागलों की तरह तो उसको लगेगा कि आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो। तो फ्रेंड आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आप उसे देख रहे हो तो प्यारे से मुस्कान दीजिए, ताकि उस लड़की को ये एहसास हो कि लड़का कुछ तो चाह रहा है मुझसे, या तो ये मुझे पसंद करता है या तो फिर ये मुझसे बात करना चाहता है। मगर फ्रेंड उस समय आप उससे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, घूरने की कोशिश ना करें, आपके चेहरे से लाल नहीं टपकना चाहिए, एक अच्छी वाली मुस्कान रखनी चाहिए। और आप जब भी उससे अप्रोच करते हैं, फिर जब भी बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी निगाहें नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो भैया बहुत आधी हद तक आप उसे इम्प्रेस कर लोगे। इसी के साथ साथ आप उसे जब भी लाइन मारने जाते हैं तो इसका एक निर्धारित समय तय कर लीजिए, अर्थात
आप उसके एक ऐसी टाइम डिसाइड करिएगा जिस समय वो आपको ज़्यादातर अकेले में मिले, जिस समय ज़्यादातर वो जैसे कि कोचिंग जा रही हो, कोचिंग से घर आ रही हो, अपनी क्लासेस जा रही हो, कुछ भी ऐसे टाइम पर लाइन। ये नहीं कि आप एनी टाइम कभी भी देखते हो तो लाइन मारने लग जाते हो, नहीं। एक लाइन मारने का भी सही प्रोसेसर होता है, सही टाइम होता है। जब उसका मूड अच्छा हो तो आप उसे देख कर स्माइल करें, जब उसका मूड अच्छा नहीं हो तब आपको उससे फ्रेंड ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा उसे देखना नहीं है, क्योंकि आपकी स्टोरी ख़राब भी हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ हो तो वहाँ पर आपको लाइन नहीं मारनी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर कोई लड़की इस बात को इंजॉय कर रही है कि आप उससे फॉलो करते हो, उसके पीछे पीछे जाते हो, वो हंस रही है, बार बार पलट पलट के देख रही है, तो आप पीछा कर सकते हो। मगर उस लड़की को अच्छा नहीं लग रहा, वो तेज भागने लग जाती है, आप जब भी उसके पीछे जाते हो तो मतलब कि यहाँ पर आपको फॉलो करना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड में बस इतने समझाना चाहूँगा, उसके आस पड़ोस में, उसके गली मोहल्ले में उस पर लाइन मारने की ट्राई ना करें। जब भी ट्राई करें उसको ज़्यादातर देखिए अकेला या थोड़ा उसके घर से दूर, तो आपको देखने को रिजल्ट बढ़िया ही मिलेगा। तो ये थे कुछ छोटे मोटे पॉइंट जो कि आप लोगों ने पूछा था, तो मुझे लगा एक्सप्लेन करके आपको समझाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को पार्ट टू चाहिए तो दबा कर कमेंट करिएगा भाई। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की, फॉलो कर लीजिएगा। बस इस वीडियो पर कर देना एक लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा, और हो सके तो वीडियो शेयर करना भाई, आजकल व्यूज कुछ खास नहीं आ रहे, शेयर करना। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को